कोई बात नहीं, जैसा तुम कहो वैसा मैं मानूंगा, पर अभी तो मुझे प्यार करने दो। ना क्या हुआ? नया रूम फ्रेशनर लिया है क्या? नहीं तो क्या हुआ? आज मूड बड़ा उखड़ा उखड़ा सा लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है ना। अच्छा एक बात बताओ, आज घर पर कोई आया था क्या? अरे सॉरी नैना, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरा आज लंच और डिनर बाहर ही है। मेरी कंपनी की लॉन्चिंग पार्टी है ना। क्या तुमने सुबह सुबह मूड खराब कर दिया? पहले नहीं बता सकते? मैं इतना परेशान हो रही थी। अच्छा मुझे नहीं पता था कि मेरा टिफिन तुम्हारी तकलीफ की वजह हो सकती है। क्या बोले जा रहे हो? वैसे भी आजकल तुम बहुत बिजी रहने लगी हो। मतलब क्या घर की हालत देखी है? जब भी मैं तुम्हें कॉल करता हूँ बाद में फोन करती हो ऐसा बोलकर फोन कट कर देती हो। हर काम हड़बड़ी में करने लगी हो आजकल। क्या क्या बोले जा रहे हो? चलो तो जाओ, तुम्हें लेट हो रहा है, आराम से जाना। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता पता है। चलो बाय। हूँ। देखा अभी भी कितनी हड़बड़ी में हो, कितनी बार बाय बोल चुकी हो। अभी तुम ही तो बोल रहे थे कि मुझे लेट हो रहा है। ठीक है मत जाओ, मेरा क्या गया मेरी बला से? वैसे भी ना तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। व्हाट डू मीन टू से? डू यू रिमेम्बर नैना, लास्ट टाइम हम कब फिजिकल हुए थे? आई थिंक क्या मतलब? लास्ट 12 नाइट से हम दोनों अलग हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं होता था, इतने दिन में तो तुम पागल हो चुकी। यार काम का इतना सारा प्रेशर है और तुम सुबह सुबह दरवाजे पे खड़े रहके कोई ऐसी बात करता है, और जब पता चल ही गया है तो क्या मतलब है खाली फोकट अपना जोश दिखा के? नैना ये बात हम दोनों काफी वक्त से जानते कि हम लोग माँ बाप नहीं बन सकते हैं। बट चेंजेस तो अभी अभी आने स्टार्ट हो गए हैं। रवि, सुबह सुबह ऐसी बकवास करके कोई फायदा नहीं है। तुम्हें ऑफिस जाना है तो जाओ। क्यों, किसी का वेट कर रही हो क्या? कोई आने वाला है? तुम्हारे बकवास का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तुम्हें ऑफिस जाना है तो जाओ, नहीं तो मेरी बला से तुम्हारे शक का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हे बेब, कहाँ कोई हो? हे बेब, क्या हुआ है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैं तुम्हें समझा समझा के थक चुकी हूं। बिल्कुल भी नहीं सुमित, तुम्हें यहाँ पे कुछ दिन आना बंद करना पड़ेगा। रवि को मुझ पे शक होने लगा है और उसके रोज रोज के सवाल से मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो छोड़ दो ना उन्हें, क्यों खामखा उसे एंटरटेन करती रहती हो? तुम्हें बहुत शौक है ना दो दो मन रखने का, तो मैं क्या करूं?
मैंने तो वो तब भी बोला था, कितने दिनों से बोल रहा हूँ, छोड़ दो उस बोछड़ी के नामर्द को। मगर कहाँ, तुम्हें वो भी चाहिए और मैं भी चाहिए, तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मगर अंदर से गिल्ट फील होता है, पाप लगता है। जाने का डर, आने का डर, सवालों का डर, डर डर डर, मैं परेशान हो गया हूँ इस डर से। इससे अच्छा तो मैं ही तुम्हारी लाइफ से निकल जाता हूँ, तुम खुश रहना। सुमित, पार्सल किसने दिया? सुमित ने? नहीं, रवि सर ने। मैडम, वैसे रवि साहब मुझे पूछते हैं कौन कौन आता है इधर, लेकिन मैं कुछ नहीं बताता हूँ मैम। बहुत ही अच्छा काम करते हो। हाँ मैडम, वो आपके घर पर सुमित सर आते हैं ना, उनके बारे में भी पूछा था मैम। 100-200 रुपए लेते हैं कभी कभी मैम। थैंक यू मैम, कुछ मदद चाहिए तो बताना मैम। थैंक यू। ये क्या है? कुछ नहीं यार, रवि ने कुछ पार्सल भेजा है। हाय जान। ओ वाओ,
आया सर। क्या साहब इतनी जल्दी? अरे आज मेरा प्रमोशन हो गया ना, मैं मैनेजर बन गया हूँ। नैना को सरप्राइज देना है। अपना भी कुछ चाय पानी। क्या यार, तू भी ना एक भी मौका नहीं छोड़ेगा, रुक जा। से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम चाहो तो उस घर में आराम से रह सकती हो, और जब तक तुम वहां पहुंचोगी वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी।
और वैसे भी ये बदलाव मेरा पूरा हो चुका है। अगर तुम चाहो तो इस ब्लैक साड़ी को जलाकर मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते। वॉचमैन और सुमित को तुमने ही मारा है? नहीं, वो दोनों तुम्हारे हाथों मारे गए। मेरी रूह इस साड़ी के अंदर थी। जब जब तुमने इसे पहना मेरे रूह को सुकून मिला। उस रात जब तुम मेरे साथ सेक्स कर रही थी मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर चुका था और वॉचमैन को तुम्हारे हाथों मार दिया। वॉचमैन! वो ऑटो भी नहीं चला रहा था। सुमित को भी इन्हीं हाथों से मारने का मन था लेकिन मजबूरी में तुम्हारे हाथों ही वो मारा गया। जिस्म तुम्हारा था और रूह मेरी थी। तुमने मेरे साथ सेक्स कैसे किया? How mean you are? मेरा ऐसा तो कोई इरादा नहीं था लेकिन जब मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने लगा तुम मेरे साथ सेक्स करने लगे। और एक बात, तुम इस घर में आज तक सुकून से रह रही हो क्योंकि मेरा दिन तुम पर आ चुका है। तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो। अलविदा। Oh shit!